nationalism in 21st century in this session we are going to highlight the relationship between the political sociology political thinkers and what they are thinking about nationalism specifically in the 21st century because nationalism is a feeling that affects the individual life as well as the society

तो वो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर एक ग्रुप हैं लेकिन हम देखते हैं कि आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है ख़ास तौर पर विद अ स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन विद अ स्पीडी मीनस ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो आसान है लोग आपस में रबता भी कर सकते हैं लेकिन एक एफिलिएशन रखने वाले एक फीलिंग रखने वाले लोग किसी तरह भी अपनी स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर निकल कर कैसे ऑपरेट करेंगे ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर एक डिबेट है जो इस वक्त चल रही है स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर खास एक ग्रुप के साथ ताल्लुक है और वो अपनी आइडियोलॉजी अपनी आइडेंटिटी रखने वाले लोगों को कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आज के दौर में ऐसा मुमकिन है हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो खास तौर पर अपने लोगों को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं और उनके लिए उनकी लाइफ को इम्प्रूव इंप, करने के लिए वो डोनेशंस भी देते हैं वो बकायदा एजुकेशन के फील्ड में हेल्थ के फील्ड में इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन अगर बात यहाँ पर आ जाए कि क्या पॉलिटिकल एम्बिशनस के लिए ये पॉसिबल है तो दैन डेफिनेटली एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज तब पोलिटिकल एफिलियेशन के लिए अगर ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी तो वो फिर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर उस नेगेटिव जो एक्टिविटी है उसको कोई भी प्रमोट या कोई भी स्टेट उसको अलाउ नहीं करेगी बिकॉज नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी देट कॉन्टीन्यूज टू शेप ग्लोबल पॉलिटिक्स टुडे एंड ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नेशनलिज्म इज फेस्ड विद अक सेट ऑफ चैलेंजेस फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेशन डायस्पोरा क्रिएट कल्चरल इकनॉमिक एंड सोशल नेटवर्कस विच नाउ बाइंड पीपल एकरोस एंटायर कॉन्टीनेंट्स एंड लेट ए लोन कंट्रीज डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम uh, है इस वक्त दुनिया के अंदर जो दुनिया फेस कर रही है और ख़ास तौर पर जो स्टेट्स हैं वो फेस करी हैं कि किस तरीके से माइग्रेशन को कंट्रोल किया जाए माइग्रेशन ख़ास तौर पर इन द नेम ऑफ ग्रुप लॉयल्टी यानी एक तो माइग्रेशन है कि आप अपने हालात को अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए माइग्रेट करते हैं या कोई अन एवॉडेबल सरकमस्टेंसेज हो लेकिन अगर ग्रुप लॉयल्टी की बेस पर माइग्रेशन होगी तो वो स्टेट सिस्टम को चैलेंज करेगी और वो एक बहुत बड़ा इशू जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी देन इन द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगेन सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट द रीजनल इंटेग्रेशन एंड सम पीपल आर इवेंट टॉकिंग अबाउट द नेशन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट तो नेशन बिल्डिंग कैसे होनी है कि जहाँ पर एक जगह रहने वाले अफराद चाहे उनकी लोकल आइडेंटिज़ कोई भी हों उनको एक ओवरऑल नेशन की फीलिंग में कन्वर्ट करना है यानि लोकल आइडेंटिटीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाती स्टेट लेकिन वो लोगों के अंदर ये फीलिंग क्रिएट करती है कि वो एक ख़ास स्टेट के मानने वाले हैं वो सिटीज़न उस स्टेट के हैं तो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं दे हैव टू परफॉर्म एज द सिटीजन्स ऑफ़ दैट स्पेसिफिक स्टेट तो उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है जो टॉप लॉयलिटी है वो उस ग्रुप की बजाय स्टेट के साथ होनी चाहिए और नंबर वन पर उनके लिए उनकी अपनी पहचान उनकी स्टेट हो उसके बाद उनकी जो ग्रुप लॉयलिटी हैं वो मौजूद रहती हैं स्टेट उनके लिए कोई थ्रेट क्रिएट नहीं करती बल्कि उनको सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो करती है तो हम ये देख सकते हैं कि इवन इन द टेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्टिल एग्जिस्ट लेकिन उसके लिए बहुत सारे और चैलेंजेस और बहुत सारी और डिबेट्स हैं जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है